हेलो दोस्त, न्यू सफर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्त, यहाँ पर एजुकेशन, जॉब, करियर से रिलेटेड वीडियो अपलोड होता है। कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि AMD रिक्रूटमेंट का आप लोग का जो साइंटिफिक असिस्टेंट और प्लस आप लोग का 16 पोस्ट का आप लोग का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें से आप लोग का साइंटिफिक असिस्टेंट का रिजल्ट आ चुका है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को मेल भी आया होगा। उसके बाद से इसमें बताया गया कि आप लोग का साइंटिफिक असिस्टेंट ए से लेकर बी जितने भी पोस्ट हैं, आप लोग का टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, उसमें से आप लोग का क्या होने वाला है, इंटरव्यू होने वाला है। तो उसके रिगार्डिंग एक नोटिस जारी किया गया है, उसका डेट जारी किया गया है, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। और आपको बता दें कि यदि आप लोग AMD सिक्योरिटी गार्ड का भी अप्लाई किए थे, ड्राइवर का भी अप्लाई किए थे, तो उसका रिजल्ट का भी कोई नोटिस नहीं आया है। तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर देखेंगे तो हेल्पलाइन नंबर है, तो उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक जानकारी आपको बता दें कि बहुत पहले से हम कांटेक्ट कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। तो आप लोगों को भी पता होगा, आप लोग भी किए होंगे, तो जिन जो किए होंगे उनको पता होगा। तो हम भी कोई अपडेट नहीं आ रहा था, इसी कारण आप लोग का कोई अपडेट बताया जाए कि कोई अपडेट मिलता तो आपको बताया जाता। तो आशा करता हूँ कि आप लोग का सिक्योरिटी गार्ड का भी और भी जितने भी पोस्ट बाकी हैं उन सभी का रिजल्ट जल्दी जारी किया जाएगा। तो जैसे ही आप लोग का अपडेट मिलता है आप लोग जरूर बताएंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हुए हैं तो वहाँ पर भी आप लोग को नोटिस मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जारी किया गया जो इंटरव्यू शेड्यूल, तो यहाँ पर देख सकते हैं किस किस पोस्ट का कितने तारीख हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पर साइंटिफिक असिस्टेंट बी केमिस्ट्री का आप लोग देख सकते हैं 6/6/2022, उसके बाद 7/6/2022, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। आप लोग एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर भी आप लोग को बताया जाएगा, वहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम वगैरह, डेट वगैरह, सब डिटेल, वेन्यू वगैरह सब बताया जाएगा उसी में। कैसे डाउनलोड करना है वो सब भी देखेंगे इस वीडियो में। यहाँ पर देख सकते हैं सभी पोस्ट का दिया गया, तो यहाँ पर देख सकते हैं जिस पोस्ट से अप्लाई किए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आप आएंगे इस ऑफिशियल वेबसाइट पर, देख सकते हैं iregister.in/amestate, उसके बाद से 21/home.html। तो इस आएंगे इस ऑफिशियल वेबसाइट पर, आने के बाद इस पर क्लिक करके आप लोग अपना एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं 9:30 से 6:30 के बीच में। तो चलिए आगे देख लेते हैं। और इस वाले ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट amd.gov.in पर, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं रिक्रूटमेंट सेक्शन में आप लोग जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनका यहाँ पर लिस्ट जारी कर दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया SA-B जियोलॉजी के लिए अलग अलग जो भी पोस्ट है सभी का देख सकते हैं, सभी का जारी किया गया। जिस भी पोस्ट का डाउनलोड करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम एक डाउनलोड करके दिखाते हैं सिविल का। तो सिविल का क्लिक करेंगे सिविल पर, उसके बाद से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप लोग सामने इस तरह से PDF ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें रिपोर्टिंग टाइम और जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं और डेट ऑफ इंटरव्यू बताया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पर देख सकते हैं जो वेन्यू बताया गया, रिपोर्टिंग टाइम बताया गया, यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार से सभी लोग अपना चेक कर लीजिएगा। उसके बाद से नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर इंटरव्यू, यहाँ पर भी दिया गया। और यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी क्वेश्चन और सवाल जवाब के लिए यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उनसे 9:30 से 6:30 के बीच में। तो आशा करता हूँ जानकारी आप लोग अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्त।